हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फ़हीम और आज मैं आपको मुंबई के जुहू बीच पर लेके आया हुआ हूं। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था ये लोकेशन आपको दिखाने की। एक्चुअली जुहू बीच तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको यहां पर लेके आया हुआ हूं फिल्म डर की वजह से। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला था कि फ़हीम भाई, आप हमें डर फिल्म का वो सीन दिखाएं जब सनी देओल सर शाहरुख खान सर के पीछे दौड़ते हैं, वो कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। तो वो दौड़ने वाला सीन जो स्टार्ट होता है वो बांद्रा से स्टार्ट होता है। वो एक ज्वेलरी की दुकान पर रहते हैं, वहाँ से सनी देओल सर उनके पीछे दौड़ते हैं। वो दुकान भी, वो लोकेशन भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है, बहुत सारा प्यार मिला है। उसी हिसाब से आज हम मुंबई के जुहू बीच पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे शिवाजी महाराज की एक स्टैचू बना हुआ है, बहुत खूबसूरत और बहुत पुराने टाइम से वो यहाँ पर फेमस है। पीछे मेरे रामादा प्लाजा पाम ग्रोव करके एक 5-स्टार होटल है, जो ये भी काफ़ी पुराना और एक फेमस होटल है। अगर हम इधर से दिखाएंगे आपको तो यहाँ पर पीछे शिवाजी महाराज जी के पीछे वहाँ पर पार्किंग का एरिया है, जहाँ पर आप अपनी बाइक या कार को पार्क कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर प्राइस की बात करेंगे तो बाइक पार्क करने के लिए यहाँ पे 3 घंटे का 35 रुपीस है और कार पार्क करने का 55 रुपीस है, कोई ज़्यादा नहीं है कार का भी। यहाँ पर सामने बोरा बोरा एक रेस्टोरेंट है और उसके सामने यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारी स्टॉल है। यहाँ पर मुंबई की फेमस आपको भेलपुरी, पानीपुरी, गोला और अलग अलग टाइप के फूड्स, स्टॉल फूड्स यहाँ पर खाने के लिए मिलेंगे। सब में अच्छी क्वालिटी है। बीच के पास जब लोग यहाँ पर आते हैं कभी कभी घूमने के लिए, तो दोस्तों सब इन्जॉय करते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है, सपनों का शहर है दोस्तों। संडे के दिन लोग यहाँ पर ईद मनाते हैं, पूरे वीक काम करने के बाद संडे को आ जाते हैं ये खूबसूरत समंदर की हवाओं का मज़ा लेने के लिए। अभी फ़िलहाल जून का महीना है, काफ़ी गर्मी है, बाहर आने में भी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन इस हालत के चक्कर में अब ऐसा तो नहीं कि हम आपको वीडियो नहीं बना के बताएंगे। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि कि हम आपको अलग अलग जगह की वीडियोस दिखाएं। बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके हैं। इस वीडियो को जो मैं आज बना रहा हूँ ये भी काफ़ी लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे, लेकिन फाइनली आज हम उस एरिए में पहुँच चुके हैं, उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर अब से 30 साल पहले वो सीन रिकॉर्ड किए गए थे, जहाँ पर सनी देओल सर भागे थे, जहाँ पर शाहरुख खान सर भागे थे 30 साल पहले। दोस्तों, ये फिल्म 1993 की है और आज 2023 है। 30 साल बाद आज हम आपको यहाँ पर लेके आ चुके हैं। 30 साल में बहुत कुछ बदल चुका है इस दुनिया में। फ़हीम व्लॉग पहले था भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, 30 साल पहले से हम कुछ चीज़ों को मैच करेंगे जो आज भी मैच होती हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो नहीं मैच हो पाएंगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें आज भी हमको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा पॉइंट के हिसाब से ये होटल। एक बार पीछे ये होटल दिखाएं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट से इस जगह को मैच करेंगे तो स्क्रीनशॉट में आपको पीछे जो रेस्टोरेंट दिख रहा है वो यही रेस्टोरेंट है दोस्तों। और सीन जो लेके गए थे वो ये देखो, इधर आप देखेंगे ना, इधर से एक रोड भी दिखाया गया है, उस रोड से वो भागते हुए आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ये जो स्टॉल लगी हुई हैं, गोले की, भाजीपुरी की और अलग अलग सामान यहाँ पर बिक रहे हैं, उसके दौड़ते हुए यहाँ पे दिखाते हैं। और सिर्फ एक ही जगह नहीं, एक स्टैचू भी बना हुआ है। स्टैचू नहीं बोलेंगे उसको, कुछ तो है शायद, वाटर टैंक है, वो भी उधर बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आज हम आपको इन गलियों में 30 साल के बाद लेके जाएंगे, 30 साल के बाद दिखाएंगे वो पानीपुरी की दुकान, वो गोले की दुकान, जो मतलब वो लोग दौड़ते रहते ना, तो बहुत ही फास्ट कैमरे को लिया गया है, वो फट दौड़ने का सीन लिया गया है दोस्तों। बहुत मेहनत से ये फिल्म भी बनती है। कुछ सीन उसमें जुहू के हैं, कुछ सीन उसमें बांद्रा के हैं, बांद्रा की गली हैं, और कुछ सीन यहाँ के हैं। अलग अलग मुंबई शहर से सीन रिकॉर्ड किए गए थे। आइए अब हम आपको वो लोकेशन 30 साल के बाद दिखा रहे हैं डर फिल्म वाली। दोस्तों, डर फिल्म एक अलग ही फिल्म है। शाहरुख खान सर ने एक ऐसी उसके अंदर एक्टिंग की है जिसकी कोई तारीफ ही नहीं कर सकता हूँ मैं। आई लव यू किरण, आई लव यू बोलने का यार एक अलग ही जुनून है उनके अंदर।
मतलब क्या फिल्म बनाई है उन्होंने। चलिए तो आज उस फिल्म को हम याद करके उस फिल्म की लोकेशन देखते हैं। तू किसी और की हो न जाना। ये फिल्म आई थी 30 साल पहले और आज में काफ़ी बदलाव आ चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन आज भी हम आपको 30 साल पुरानी यादें याद दिलाने आए हैं। ये जो डर फिल्म है काफ़ी फेमस और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है और बहुत सारे लोगों की फेवरेट में से एक फिल्म रही है। देखेंगे पीछे एक रामादा प्लाजा पाम ग्रुप करके एक होटल है, उस होटल को भी अगर आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाजू में यहाँ पर स्टॉल बनाई गई हैं और पीछे यहाँ पर एक पानी पीने की जगह है। आप इसको थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये जगह है जहाँ पर आज भी आप यहाँ पर पानी पी सकते हैं फ्री में जाके। मुंबई में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर पानी अभी भी फ्री में आपको मिल रहा है। मतलब अगर दो दो लीटर की पानी की बोतल एक एक बंदा भर के जाएगा तो कैसा चलेगा। ये पानी पीने के लिए नॉर्मल जाएं, गिलास से पिए या छोटी बोतली भर भर के पी लें। 30 साल में स्टॉल क्या बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत बार छोटा मोटा फ्लड आया है जिसकी वजह से एरिया टूट जाता था और उस टूटे हुए एरिए को ये लोग फिर से डेवलप करके बनाते थे। जब फिल्म के अंदर ये सीन दिखाए गए होंगे तो पीछे वो होटल दिखता है, उसके बाजू में वाटर टैंक दिखता है और यहाँ पर वो स्टॉल बना हुआ था ये जो आप देख रहे हो, लेकिन आज यहाँ पर स्टॉल बिल्कुल भी नहीं है, इधर खाली है और ये सारे जो खाने पीने की स्टॉल बनाई गई हैं, दुकानें बनाई गई हैं, वो बाजू में हैं। तो दोस्तों ये है वो मुंबई का खूबसूरत समंदर का किनारा जहाँ पर ये सारी फिल्मों के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। और दोस्तों सिर्फ एक ही नहीं, मतलब जुहू बीच पर सिर्फ कोई एक फिल्म के सीन रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, बहुत ही बड़ा एक समंदर का किनारा है। मुझे लगता है मुंबई में जितने भी समंदर के किनारे हैं, जितने भी बीचेस हैं, उसमें से सबसे बड़ी बीच ये जुहू बीच है और सबसे फेमस बीच भी यही है। दोस्तों हमने आपको ये जगह दिखाई जहाँ पर पीछे एक होटल दिख रहा है और यहाँ पर जो आपको पानी पीने का यू नो घर सा बना के रखा है वो दिख रहा है, यही उस फिल्म के अंदर दिखाया गया था 30 साल पहले। यहीं पर दौड़ रहे थे शाहरुख खान सर और सनी देओल सर, यहीं पर वो स्टॉल लगी हुई थी जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ। पहले यहाँ पर स्टॉल थी लेकिन अभी ये सारी स्टॉल को हटा दिया गया, आप देख सकते हो उधर बाजू में रोड चल रहा है। रोड के वो साइड जाएंगे तो वहाँ पर एक प्राइवेट एयरपोर्ट है जहाँ से आप हेलीकॉप्टर की राइड भी ले सकते हो। वहाँ पर हेलीकॉप्टर की राइड है, वो लेने वाला था, उसका कॉस्ट ज़्यादा है, पहले 4000 रुपये था अभी 8000 रुपये कर दिया 15 मिनट का, तो मुझे लगा 15 मिनट का 8000 रुपये ज़्यादा है, इस 8000 रुपये में तो हम लोग गोवा से घूम के आ जाएंगे, प्लेन से जाने का आने का दोनों हो जाएगा। पूरी भाजी वाले गोले वाले सारे के सारे स्टॉल यहीं पर लगे हुए थे और पीछे वो होटल दिख रहा था और ये पानी की जगह दिख रही थी। बाजू में जो ये आप ये यू नो ब्लू कलर का एक छोटा सा घर बना हुआ देख रहे हो वो पहले वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों आज हमने आपको ये समंदर का किनारा करीब 30 साल के बाद दिखाया है। शाहरुख खान सर की जो पहली फिल्म थी दीवाना जिसका नाम था, उसका जो पहला सॉन्ग था वो भी यहीं पर रिकॉर्ड किया गया था, कोई ना कोई चाहिए हमको प्यार करने वाला, हकीकत बातें चाहिए भाई। तो यहाँ पर इस जगह पर ही वो इस बीच पर ही बहुत पुराने टाइम से सॉन्ग रिकॉर्ड होते हुए आ रहे हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग रिकॉर्ड होते हुए आ रहे हैं। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोकेशन, ये जगह जो आप इतने सालों के बाद देख रहे हो फिल्म के हिसाब से, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जो मुंबई में ही रहते हैं, जो आजू बाजू में रहते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वीडियोस यू नो बनाने आते हैं, घूमने आते हैं, काफ़ी वीडियो मैं भी बनाऊँ ये जगह को देख चुके, लेकिन कुछ भाई हैं जो लोग यू नो गांव में रहते हैं, जो कभी मुंबई में नहीं आए हैं, उनका भी दिल करता है कि कभी मुंबई आएँ और ये सारी जगह देखें। तो हमें उम्मीद है कि जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं आपको ज़रूर ये सारी जगह पसंद आती होंगी। बहुत लोग तो बहुत टाइम से कमेंट करते हैं मुझे कि फहीम भाई हम मुंबई आ रहे हैं, आपसे मिलना ज़रूर है। तो मेरे भाई आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, मैं आपके लिए ऑलवेज़ फ्री हूँ, लेकिन सिर्फ संडे को, बाकी के दिन मैं आपको जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ तो संडे के दिन मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। संडे बहुत सारे लोग मुझे मिले भी हैं संडे के दिन, तो अगर आप कभी भी मिलना चाहते हो तो आई एम ऑलवेज़ फ्री फॉर यू ऑन संडे, बट आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एवरी संडे का कहीं ना कहीं प्लान रहता है। आप भी ऐसे ही कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, कुछ लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप बिंदास बताते रहें, हम आपकी लोकेशन आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिर मिलेंगे आपको किसी और एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। लव यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। लव यू गाइज।